ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बेहद में स्थित हो जाने के लिए तो यहाँ शांति वन में बेहद का परिवार देख करके बहुत सहज ये पहचान होती कि बाबा तो बेहद का, परिवार भी बेहद का और बाबा हमें सहज सहज बेहद में खींच कर वहाँ ही स्थित करते हैं। और आज की मुरली जो बाबा ने सुनाई, मैं समझती कि इसी टॉपिक के संबंध से ही बाबा ने हमें बहुत सुंदर मीठी मीठी बातें बताई, क्योंकि आज का मंत्र यही था, आज कल करते करते, घंटे भी बीते, दिन भी बीते, मास भी बीते, वर्ष भी बीते, और अब क्या करना है, बस यही ओना रखना है, यही फुरना रखना है। बाबा ने चार बारी कहा, ओना फुरना, यही ओना यही फुरना रखना है कि बस एक बाबा की ही अव्यभिचारी याद रहे, आत्मा पावन बन, सतो प्रधान बन, वापस अपने घर जाए। तो वैसे तो आज की मुरली का ही आप गहराई से मनन चिंतन करते, मंथन करते, उसी के अनुभव में आप स्थित रहेंगे तो मैं समझती टॉपिक तो बहुत क्लियर हो जाती। अब कहाँ खड़े हैं, 111 से आकर के बाकी 5000 वर्ष के थोड़ा ही समय बाकी बचा है, तो इस समय बाकी जो कुछ ये बचा हुआ समय है, इस समय के अंदर ऐसे हम अपनी स्थिति बनाएं कि जैसे आत्मा नीचे आई थी उसी स्थिति को धारण करके फिर से जाना है। एक प्रश्न है, आज बाबा ने कहा कि अपने आप को ही झांक के देखना है अंदर कि अंदर क्या चल रहा, परंतु एक ये प्रश्न है कि यदि आज इस घड़ी ऐसे ड्रामा का इशारा हो या ऐसे ड्रामा की सीन हो कि आज मुझ आत्मा को इस देह का त्याग करना हो, तो क्या मेरी स्टेज है और किस स्थिति में मैं अपनी वापस घर जाने की तैयारी कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जो आज की हमारी स्टेज होंगी, जिस घड़ी आत्मा देह का त्याग करेंगी, बस पुरुषार्थ वहाँ तक ही चल सकता, और आगे कोई पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं है। तो आप सोचो कि इस स्थिति में जो बाबा का घर है, परम धाम है, परंतु उस घर के अंदर जो निराकारी झार है, उस निराकारी झार में मैं कहाँ पर पहुँच सकेंगी? बाबा के अति समीप, बिल्कुल नज़दीक ते नज़दीक, जो अपना दैवी घड़ाना है फर्स्ट का, उसमें ऊंची स्थिति या थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर या बहुत दूर बाबा से? क्योंकि आज तक जो हमने पुरुषार्थ किया वो अपने साथ है, आगे का क्या पुरुषार्थ होगा कोई कुछ कह नहीं सकता, परंतु अभी फिर भी जो मार्जिन है, जो हम अपनी स्थिति बनानी चाहते हैं, जो हम अपना रिहर्सल करनी चाहते हैं, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे। कभी भी यदि हम पुरुषार्थ के लिए ये नहीं कह सकते ड्रामा, कभी हम पुरुषार्थ के लिए ये नहीं कह सकते कि कल से हम ये अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि आज और कल करते करते समय इतना बीत चुका, और वैसे भी हिंदी में कहावत आती है कि कल करते करते काल आ जाता,
तो कल क्या होने वाला है रियलिटी है किसी को नहीं मालूम। हम कितना भी प्लान बनाती हैं कल कहाँ पर हम होंगे हम वास्तव में कह नहीं सकते। थोड़े दिन पहले हमारी पिछले सप्ताह में एक जगह की यात्रा चली थी तो उसमें जैसे हम निकले घर से यहाँ मधुबन में ही थे तो अपना जो भाई ड्राइविंग कर रहा था कहता था कि बस एक घंटे की जर्नी करके आए हैं दो घंटे में पहुंच जाएंगे। तभी करीब 8:15 था और दो घंटा एक्स्ट्रा लग गया कारण कि रास्ते में ऐसे घटनाएं आती रही जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे बातें होती रही जो हमने बीच में तो सोचा कि शायद वापस लौटना पड़ेगा हम आगे इस रोड पर नहीं चल सकेंगे। 10 स्थानों पर रोड ब्लॉक्स आदिवासियों ने लगा के रखे थे तो उस समय भी बस और क्या कर सकते। उस घड़ी तो शांत होकर के फिर ये सोचते थे कि अच्छा चलो पहुंचना होगा तो बाबा कुछ मदद करके किसको निमित्त बना करके पहुंचा ही लेगा। और वाक्य में ही फिर पुलिस का एस्कॉर्ट ऐसे मिला जो हम अपने स्थान पर फिर भी टाइम अनुसार ही पहुंच गए। परंतु जो जर्नी शुरू करते समय हमने सोचा और जो जर्नी करते सीन्स आती गई बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था। फिर उसी रात्रि को मैंने दादी को जब ये कहानी सुनाई फ़ोन पर तो दादी कहे कि फिर तो अभी भी उसमें खतरा है तो अभी कल तो तुरंत वापस नहीं लौटना थोड़ा सीज़न चेंज हो जाए वातावरण चेंज हो जाए फिर वापस आना। फिर कहीं वहाँ के भाई बहन कहे कि नहीं लंबे रास्ते से जाओ वहाँ से ठीक होगा तो हम लंबे रास्ते से आए परंतु कुदरत की बात होती उस रास्ते से भी 6 स्थानों पर ब्लॉक्स आते गए। उस समय भी कोई न कोई मदद करने के लिए बाबा ने भेज ही दिया तो हाँ बाबा की मदद होती ये तो बात बिल्कुल सही है बाबा रक्षा करते हैं। परंतु मतलब कहने का कि आज जो कुछ हो रहा वो हमारे वश की बात है उसमें हमको अपनी मन बुद्धि स्थिति कैसे रखनी है उसको हम बिल्कुल गारंटी से कुछ भी कर सकते। उसके बाद कल क्या होने वाला है कुछ हम कह नहीं सकते चाहे विश्व के सर्कमस्टेंसेस अनुसार चाहे उस अनुसार हम कहाँ होंगे क्या कर रहे होंगे कुछ मालूम नहीं। तभी फिर बाबा कहते हैं कि आज यही एक संकल्प रहे क्योंकि बाबा तो हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं तो कोई बाबा और बातों का फिक्र करने नहीं देते हैं। और बाबा ने ये बड़े प्रेम से ओना शब्द कहा एक ये ख्याल रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है। तो उसमें बाबा की बड़ी अच्छी बातें थी बाबा ने कहा कि यदि आपको ये संकल्प होगा कि मुझे क्या करना है मुझे बाबा की याद से अपनी भाई भाई की दृष्टि से दैवी गुण धारण करके मीठा स्वभाव ठंडा स्वभाव रॉयल स्वभाव धारण करके मुझे अपने स्थिति को पहुंच उस स्थिति को पहुंचना ही है तो फिर कभी ये नहीं संकल्प चलेगा ये ऐसे करते ये कैसे करते ये होता है वो होता कुछ भी बात नहीं। जिस घड़ी हमारा बुद्धि यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है औरों की तरफ ध्यान है तो उसमें हमें शक्ति नहीं रह पाती समय नहीं रहता हमको वो दिमाग में बात ही घूम जाती कि हमको क्या करना है। परंतु आज बाबा का बहुत सुंदर हरेक को चित्र मिला अथवा नक्शा मिला कि हमको क्या करना है और उससे ये भी पता चला कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक तो होती है घड़ी इस तरह से घूमती है कलयुग अंत आकर के पहुँचा सतयुग जाना है और सतयुग में हमें उस बीच में वापस अपने घर जाना है तो जंप लगा करके हम वहाँ तक पहुँचे फिर वापस हम सतयुग में आएंगे।
परंतु दूसरी तरफ से हम देखें कि घड़ी को न सिर्फ आगे बढ़ाना है, घड़ी को वापस लौटाना है। मतलब कि जो तमो प्रधान स्थिति है उसको हम धीरे धीरे घुमा करके, धीरे धीरे भी न कहें, फास्ट घुमा करके, फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करके तमो प्रधान से तमो, फिर रजो प्रधान, रजो और फिर सत्तो, और फिर सत्तो प्रधान की स्टेज में पहुंचना है। 5000 वर्ष लगे घड़ी को एक तरफ घूमने का, परंतु अभी कोई 5000 वर्ष हमारे पास नहीं है जो हम धीरे धीरे वापस लौटें, परंतु थोड़े समय के अंदर सर्वशक्तिवान बाप की मदद लेकर के घड़ी को वापस लौटाना है। कैसे? आज बाबा ने सत्तो प्रधान के चिन्ह बताए कि उनों के गुणों, उनों का स्वभाव किस प्रकार से होगा। फिर बाबा ने रज्जो और तमो के भी चिन्ह बताए। तो जो बाबा ने बातें बताई है आज, उसी से ही हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक अपनी तैयारी कर चुके हैं और आगे मुझे क्या तैयारी करनी है। बाबा ने कहा कि यदि कोई झगड़ता है, यदि कोई अवगुण देखता है, औरों की खामियां देखता है, उसका कारण कि बस वही रजो प्रधान स्थिति है, वही बीच की स्थिति तक ही पहुँचे हैं। वो जो स्टेज है सत्व प्रधानता की स्टेज, उसमें किसी के भी अवगुण देखने की मार्जिन नहीं। कोई कुछ ऐसे करता भी है तो भी वो संकल्प ऐसे ही चलेगा, चलो ठीक है जो भी उसका पार्ट ड्रामा के अंदर है, परंतु हमारी स्थिति उस कारण से नीचे आ जाए या हमारी दृष्टि उसके प्रति कुछ बदली हो जाए, नहीं। बाबा ने कहा आप उनों के गुणों को देखते रहेंगे तो उनों को संयोग मिलेगा गुण धारण करके गुणवान बनने का। आप उनों को उस दृष्टि से देखेंगे कि ये तो है ही ऐसे, तो उनों की स्थिति में कुछ मदद नहीं हुई, परंतु और ही उनों की स्थिति ऐसे ही आती रहेंगी। तो रिटर्न जर्नी में अब हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। आप देखेंगे कि जर्नी की जब बात आती है तो पहले तो ये सोचना होता है कि जिस स्थान पर मुझे जाना है वहाँ मुझे क्या लेके जाना है। यदि मुझे परम धाम जाना है और उसके बाद सत्यु के आदि समय में आना है, तो ये दो डेस्टिनेशंस हमारे हैं। बाबा ने कहा कि मंजिल बड़ी भारी है, एक तरफ बाबा भारी कहते थे, दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि सहज ज्ञान, सहज योग, और तीसरा आज बाबा ने सहज क्या कहा, सहज वर्षा। फर्स्ट टाइम मैंने बाबा का ये शब्द सुना, सहज वर्षा। बहुत सहज सहज करके बाबा बिल्कुल बहुत सुंदर वर्षा देते, और वर्षे के लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई कि जो आपको बाबा से वर्षा मिलता है इस समय, उससे आत्मा भरपूर हो जाती। वो भी बाबा की यही मुरली मैंने कई बारी सुनी होंगी, परंतु ये शब्द याद नहीं था कि वर्षा वो है जिससे आत्मा भरपूर हो जाए। आप सोचो कि जब ये बात आती है खामी या कमी, कुछ डिफेक्ट है, कुछ वीकनेसेस है आत्मा के अंदर, तो वो आत्मा भरपूर नहीं। परंतु जिस घड़ी आत्मा भरपूर है, बाबा ने उसमें बहुत अच्छी और भी बात बताई कि आत्मा की स्थिति अचल अडोल है। जो भरपूर होगा वो बिल्कुल अचल अडोल होगा, उसको कोई बात में भी हिलने की मार्जिन नहीं होंगी। जो है ही अंदर कमज़ोर, भरपूर नहीं है, तो कई बातें आएंगी, कई बातें जाएंगी, संसार का तो ये खेल चलता ही रहेगा, परंतु उस बीच में स्थिति अपनी नीचे ऊपर होती रहे, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहे और हम भी उसमें चेंज होते रहे, तो उसमें हमने बाबा से क्या वर्षा लिया। परंतु जो वर्षा मिला है, आत्मा भरपूर है, उस भरपूर स्थिति से आत्मा बिल्कुल अचल अडोल,
कोई बात में उसका कुछ भी हिलने की मार्जिन नहीं होती, और उस स्थिति में फिर औरों के साथ संबंध किस प्रकार से होगा? आप सोचो कि आत्मा जबकि अंदर में डोलायमान हो रही है, तो फिर औरों के साथ हमारा व्यवहार कभी नीचे कभी ऊपर, कभी थोड़े मीठे शब्द होंगे कभी कुछ कड़वे शब्द होंगे, ये खेल इस तरह से चलेगा। परंतु आत्मा भरपूर और आत्मा अचल अडोल, तो हमारा सबके साथ सदा समान का व्यवहार, सदा प्रेम और रिस्पेक्ट का व्यवहार चलना संभव है। तो जो अंदर की बात है नेचुरली वो बाहर नज़र आती ही है, ऐसे नहीं कि अंदर में एक बात हो और फिर बाहर ऊपर ऊपर से चल सके, वो तो पता ही चल जाता है, ये तो ऊपर की बात है। परंतु जो स्थिति वो बिल्कुल व्यवहार में नज़र आती है। तो संबंध ऐसा हो जिससे हमें सत्य का साक्षात्कार हो, सतो प्रधान स्थिति तो सतो प्रधान संबंध जिसमें बिल्कुल दिव्यता मधुरता नम्रता ऐसे नज़र आए, जिसमें पता चले कि हाँ सत्य का रिहर्सल अभी चल रहा है। तो जो अभी दो मंजिल हमें सामने नज़र आ रही है, एक तो अपनी ऐसी स्थिति हो जो हम बिल्कुल बाबा के समीप जा कर के रहें। यहाँ भी हर एक चाहता है कि हमें बाबा का समीपता का अनुभव हो, तो घर में भी ज़रूर हम आत्मा बाबा के बहुत समीप होंगे। और फिर सतयुग में, सतयुग में क्या हम संतुष्ट होंगे कि बाबा से हम बहुत दूर रहें? शिव बाबा परम धाम में उसकी समीपता की एक बात, परंतु ब्रह्मा बाबा अपने नारायण स्वरूप में सतयुग में होंगे तो हम कहाँ होने चाहते, बाबा से बहुत दूर या बाबा के बहुत समीप? उस समय भी सतयुग में भी हम ज़रूर ये संकल्प रखेंगे कि हम बाबा के बहुत समीप रहें। तो वो समीपता तब हो सकती जबकि अभी हम ऐसे जैसे बाबा ने कहा, बाबा क्या करने आए हैं, बाबा की मुरली क्यों चलती? अव्यक्त मुरली में भी बाबा कई बारी हमें ये याद दिलाते, बाबा मुरली क्यों चलाते? पावन बनाने के लिए, समझाने के लिए, इशारा देने के लिए बाबा कई कार्य मुरली के द्वारा करते। परंतु आज बाबा का शब्द था आप समान बनाने के लिए। बाबा मुरली चलाते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। किस बात में? जैसे बाप के अंदर सर्वगुण है, बाप तो सागर परंतु सर्वगुणों का सागर, वैसे बाबा चाहते हैं बाबा के बच्चे भी सर्वगुण संपन्न बने। तो बाप समान मतलब कि जैसे बाबा में गुण वैसे बच्चों में भी गुण। तो यदि हम परम धाम में बाबा के समीप होने चाहते हैं तो तैयारी अब की कि हम ऐसे बाप समान बने, और सतयुग में समीपता चाहते हैं तो वो भी जैसे बाबा को हम देखते या आज हम दादियों को देखते, उन्हों को देख करके हम फॉलो करें, ऐसे अपनी चलन व्यवहार रखें। मैं समझती हर एक को यही मन में संकल्प होता कि हमको बाबा की दृष्टि मिले, हमें दादियों की दृष्टि मिले, तो वो हम समीपता चाहते हैं, तो ये भी निशानी है वो प्यार की, समीप रहना। तो वो समीपता स्थूल रीति से तो संभव ही नहीं होती, परंतु आत्मिक स्थिति से अथवा स्पिरिचुअल हिसाब से हर एक के लिए वो समीपता संभव है। और आज बाबा ने दूसरी भी बात बहुत अच्छी बताई, सन्मुख और बेमुख, याद है ना? बहुत अच्छा बाबा ने कहा कि वैसे भी कहा जाता है विनाश काल प्रीत बुद्धि और विनाश काल विपरीत बुद्धि, परंतु प्रीत बुद्धि कौन सी? जो सन्मुख है। और विपरीत बुद्धि कौन सी? जो बेमुख है। बाबा के एक एक शब्द के अंदर कितना रहस्य होता, बड़ी सुंदर बात होती है जितना हम उस बात को समझते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं,
अपने जीवन में धारण करते जाते हैं उतनी आत्मा ऊंच उड़ती जाती। तो ये जो बाबा की बात थी कि प्रीत बुद्धि सन्मुख, तो उसमें कोई फिजिकल बात नहीं है, कोई दूर बैठा है, कोई नज़दीक बैठा है, नहीं, परंतु बुद्धि, बुद्धि हमारी प्रीत बुद्धि है तो बिल्कुल बाबा के हम सन्मुख हैं। और बुद्धि में और बातें चल रही है, हम कहेंगे कि हाँ हमको बाबा के लिए तो प्यार है, परंतु प्यार में अनेक और बातें मिक्स है। जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति की याद आपको पावन नहीं बना सकती, कारण भक्ति की याद व्यभिचारी याद, अनेक और बातें उसमें मिक्स है, बुद्धि अनेक और बातों में बिखरी हुई है। तो अज्ञान और ज्ञान का यही फर्क कि ज्ञान में बुद्धि हमारी किस प्रकार से, बुद्धि हमारी अव्यभिचारी, जिसमें और कोई बातें मिक्स न हो, एक बाबा, तो उसको कहेंगे प्रीत बुद्धि। और जब एक बाबा है, अव्यभिचारी बुद्धि का योग है, तो बिल्कुल बाबा के हम सन्मुख है, बिल्कुल सामने बाबा है और किसी का चेहरा हमारे मन में नहीं आ रहा। आप देखेंगे किसी के गुणों से हम प्रभावित होते हैं तो भी उसी का ही चेहरा मन में आएगा, किसी के अवगुण को देख करके हम नाराज़ हुए हैं उसका भी चेहरा हमारे मन में आएगा। तो मनुष्यों का चेहरा आया तो मीन्स बाबा और हमारे बीच में वो एक दीवार बन गए। तो कोई भी कारण से, गुण चाहे अवगुण, मनुष्य का चेहरा मेरे सामने न आए, बाबा और हम, और उसमें फिर जो अव्यभिचारी बुद्धि का योग होता है उसको कहेंगे प्रीत बुद्धि अथवा बाबा के सन्मुख। तो जबकि बाबा कहते हैं कि सदोप्रधान स्थिति है तो उसमें रूहानी प्रेम है, खुशी है, हल्कापन है, हम कहाँ जा रहे हैं वो बात याद है, बाबा हमें क्या बनाने आए हैं वो हमारा लक्ष्य बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है, और फिर उस बीच में कोई और फुर्सत नहीं होती है और कहाँ बुद्धि को जाने की। आप देखेंगे कि जब भी किसी को किसी बात का फुरना लगा हुआ होता, कोई बात का ओना लगा हुआ होता, आप उनको कहो कि भाई आप ये ठंडी छाछ पियो, आप ये गर्म पानी पियो, कुछ भी करो, कुछ भी आप दियो, कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो वो बात करनी है। आप उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए बिठाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो वो काम याद आ रहा है। आप उसको कहेंगे कि आपसे 10 बातें बैठ के करें, वो कहेंगे मतलब कि कोई और बात में उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। जिस बात का फुरना लगा हुआ है, जब तक वो काम नहीं किया है तब तक उसको चैन नहीं आएगा, पता है ना, ऐसे होता है ना, राइट? और किस बात का परवाह नहीं होता तो कहेंगे कोई बात नहीं, हर्जा नहीं है, वो तो चलता रहेगा। परंतु जिस बात का फुरना लगा हुआ है वो जब तक बात पूरी नहीं की है तब तक आराम से बैठ नहीं सकते। तो क्या हमारी स्थिति वो स्थिति है जिसमें हमें ये याद है कि हमें तो सत्वप्रधान बनना है, हमें तो रिटर्न जर्नी में बाकी चंद घड़ियाँ बची है, हमको तो फास्ट अपनी जर्नी करके वहाँ तक पहुँचना है। तो हम क्या देखें, यदि हमारी स्थिति जैसे आज बाबा ने कही, पता चला कि अब तक वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं, तो अभी हमको क्या करना है? तो मम्मा की बात याद आती कि तीन प्रकार के हिसाब देखने होते हैं। एक तो ये देखना होता है कि पास्ट का क्या हिसाब किताब हमने चुकतू किया है और कहाँ तक अभी तक पास्ट का रहा हुआ है। दूसरा, हमने जमा कितना किया है, जो हमने श्रेष्ठ कर्म का खाता बनाना है अभी तक वो कहाँ तक पहुँचा है, श्रेष्ठ कर्म क्या इतना किया या इतना किया या इतना किया। जबकि हम बाबा और मम्मा की जीवन कहानियों को सुनते हैं या देख वो सीन्स याद आती है, तो बाबा की कितनी पुण्य
कर्म कॉन्स्टेंटली चलता ही रहा। आज आप दादियों को देखते हो सवेरे से लेकर रात्रि तक उनका पुण्य 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 का खाता करते ही चलते, उसमें कुछ भी और नहीं रहा। और तीसरा, ऐसे न हो जाए कि पास्ट का हमने अब तक चुकतु ही नहीं किया और उसमें और हम कुछ नेगेटिव कर्म ऐसे करें जो वो खाता उसमें जमा होता जाए। तो ये तीन प्रकार, पास्ट को कितना चुकतु किया, और सेकंड पुण्य का कितना जमा किया, और तीसरा ऐसे न हो कि छोटे मोटे कुछ न कुछ गलतियां होती रहे अपने कमियां के कारण, अपने स्वभाव के कारण, जिस कारण उसमें कुछ एडिशन होता रहे। तो ये यदि हम तीन प्रकार के खाते हर रोज़ अपना देखते हैं, और ये भी मैंने देखा है कि न सिर्फ रात्रि को अंत समय देखने की बात होती, क्योंकि एक दिन के अंदर कितना समय फास्ट जाता, कितनी बातें आती है, तो रात्रि को बैठ करके सारे रील को देखो, वो तो बहुत लगता है कि सवेरे की बात रात्रि को याद करना लंबी यात्रा हो जाती। परंतु बाबा का कहना है कि कदम कदम पर चेक करते चलो, कदम कदम पर। तो उसमें यदि हमारी देही अभिमानी स्थिति होंगी, यदि हमारा ध्यान इस बात पर होगा, तो सहज ही सहज हम जल्दी जल्दी अपनी चेकिंग कर सकेंगे। तो जैसे चक्रधारी बहन भी बता रही थी, चेकिंग और चेंज कट्ठा कट्ठा चलता रहे। अभी जब मुझे याद आता कि ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था सिस्टम बाबा मुरलियों में, अव्यक्त मुरली, उससे पहले साकार मुरली, बाबा यही कहते थे कर्म करते बाबा को याद करो, कर्म योगी बन करके रहो। क्या कर्म फिनिश हुआ एक बीच सेकंड में कछुओं के समान अंदर जा कर के बाबा को याद करो। तो बाबा हमें वो बताते ही रहे हैं। परंतु फिर 70s में, मैं समझती 77 जबकि दादी जी हमारे पास लंदन में फर्स्ट टाइम आई थी, तो उस समय नया नया ये ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम शुरू हुआ था। तो हमने दादी जी को कहा कि दादी इतना कारोबार है, बस सब कुछ बंद करके 3 मिनट योग में बैठ जाए। तो दादी ने कहा हाँ बिल्कुल, मधुबन में ऐसे ही होता, मधुबन में शुरू हो गई थी सिस्टम। तो मैंने कहा कि खाना बनाने वाले क्या करते, तो दादी कहते कि हाँ वो भी बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, गैस को धीमा करके रुक जाते। तो फिर हमने सोचा अच्छा ठीक है, मधुबन में होता, हमको भी मधुबन का मॉडल बनाना है, बाबा के जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं मधुबन के मॉडल ही कहेंगे, तो वहाँ पर भी हमें ऐसे करना है। तो हम लोगों ने फिर सेंटर्स पर शुरू कर दिया। तो उस समय फिर जो घर में रहने वाले लोग हैं वो कहे क्या ऐसे हम भी कर सकते हैं, ऑफिस वाले कहे कि बस हमको ऑफिस में बिल्कुल रुक जाना है हर 2 घंटे बाद। तो वहाँ म्यूज़िक तो इस तरह से नहीं बज सकती, परंतु अपना ध्यान होगा तो वो तो करेंगे ही। तो वो तो ट्रैफिक कंट्रोल का तब से सिस्टम चालू है, और मैं समझती हर एक को उसे बहुत प्राप्ति रही है। क्यों? क्योंकि बीच में 1 सेकंड भी रुक जाना, बाबा को याद करना, तो फिर से किस लेवल पर अपना कुछ भी करें वो बात याद आती है। तो जब हम सब विदेश के टीचर्स अथवा भाई बहन, उस समय 1800 थे, अभी तो 23,000 है, परंतु उस समय 1800 बाबा के, मैं समझती 76 कंट्रीज के आए हुए थे 5 मार्च के बाबा से मुलाकात के लिए। तो उस समय शांतिवन में वो जो हमने सिस्टम देखी, हम लोग ऊपर गए फिर वापस ज्ञान सरोवर में, तो हम सब की रिक्वेस्ट थी कि जैसे नीचे यहाँ सिस्टम दादी जी ने शुरू की है, हम ज्ञान सरोवर में भी हर घंटे म्यूज़िक ऐसे चलाएं ताकि हमें वो मदद मिले और वो स्मृति रहे कि हमें हर घंटे बाबा की याद में बस 2 मिनट देना है। तो अभी ऊपर भी वो सिस्टम चालू हो गई। तो जो बीच बीच में इस तरह से चांस मिलता है,
तो वो जो चेकिंग चलती हो, जैसे कहा कि आप लोग घर में हैं, ऑफिस में हैं, तो वहाँ बेशक म्यूज़िक न भी बजे, परंतु एक आदत हो जाती बीच बीच में अपने को चेकिंग करने की। तो यदि इस तरह से बीच बीच में आप इस एक बात को चेक करेंगे कि हमारा ध्यान यहाँ है या हमारा ध्यान देही स्थिति से कुछ और खिसक गया है, क्योंकि कहीं कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात से इतना फर्क हो सकता। सही बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत साधारण बात है, परंतु इतना सारा फर्क वास्तव में हो सकता, कारण कि ये ही है फाउंडेशन। अपनी आत्म स्थिति पर हम ध्यान देवे तो बस देह की बोझ की जो बातें हैं, देह के संबंध की जो और बुद्धि बिखरी हुई बातें हैं, सबसे आत्मा हल्की हो सकती। सब बातों से लाइट होकर के, फ्री होकर के, जो हमें अपनी तैयारी करके आत्मा को पावन बन के चलना है, आत्मा उस स्टेज को प्राप्त कर सकती। और इस स्थिति को मजबूत नहीं करते हैं, इस बात को भूल जाते, तो फिर तो अनेक बातों में बुद्धि फंस जाती है। आत्मा की बातें बहुत सिंपल, देह की बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देह की बातों में आओ तो आपको फुर्सत नहीं होगी बाबा को याद करने की, आपको चांस नहीं होगा कि हम अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि इतनी बातों में बुद्धि फिर एनर्जी चले जाती है, बुद्धि बिखर जाती है। तभी बाबा की मुरली थी, देही अभिमानी स्थिति, आत्म स्थिति, भाई भाई की दृष्टि, तो बस सब बातें सिंपल, उसमें जो बाबा हमसे चाहता है वो सहज सहज हो सकता। आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग की जहाँ बात आती है, किसी को भी यात्रा पर जाना होता है तो अपने साथ क्या लेके जाना है वो निर्णय करना होता। हमारी क्या आवश्यक बातें हैं जो हम साथ रखें, ऐसे न हो कि यात्रा में चलते हमको वो बात याद आए, फिर हम वापस घर में लौटे और कहें कि ये बात तो हम भूल गए थे, या जिस स्थान पर पहुँचे वहाँ पर हम सोचे कि ये तो बहुत ही आवश्यक बात थी परंतु हमने उस समय याद नहीं किया, फिर उस समय हैरान हो जाए। नहीं, परंतु अभी से ही पता हो कि हमको क्या साथ लेके जाना है और क्या छोड़ के जाना है। आप देखेंगे कि जो छोड़ के जाने वाली चीज़ें हैं वो है भारी चीज़ें, और जो साथ में लेके जाने वाली चीज़ें हैं बहुत लाइट चीज़ें हैं। अपने साथ लेके जाना है सत्यता, प्रेम, मधुरता, ज्ञान, ये जो चीज़ें हैं उसका कोई वज़न नहीं है। परंतु जो भारी करने वाली चीज़ें हैं, दुख देने वाली चीज़ें हैं, वो हमको यहाँ भी भारी करती और आत्मा को उड़ने नहीं देती है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, बच्चे आपको सुखदाई बनना है। जितना हमने बाबा से पवित्रता का वर्षा लिया होगा उतना आत्मा को खुशी, और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि उतना ही फिर आत्मा हल्की हो सकती और औरों को सुख दे सकती। यदि हम दुख देते हैं किसको, आप सोचो कि जो तीन खाते बताए थे उसका कनेक्शन फिर उस बात से, यदि आज हम किसी को दुख दे रहे हैं, मतलब कि अभी तक पहले वाला खाता तो पूरा नहीं किया, अभी तक वो दुख देने वाले संस्कार साथ में है, पुण्य कर्म का खाता तो जमा नहीं किया, परंतु तीसरा उसमें और जो दुख देने वाली बातें हैं उसको हमने ऐड करते गए, तो आत्मा कैसे उड़ सकेंगी, रिटर्न जर्नी हो ही नहीं सकती। क्योंकि घर में जाने के लिए आत्मा बिल्कुल छोटी सी बिंदु, वो जो इतनी लाइट स्वरूप है, दोनों प्रकार की लाइट, बोझ भी ना हो और साथ साथ प्रकाशमय भी हो, वो ज्योत स्वरूप तेजस्मय हो। तो यदि हमारी स्थिति दुख देने वाली है अब तक, सुख
देव बनना अथवा सुख का अनुभव करते हम सुख देते रहें वो स्टेज क्या, और दुख देना वो स्टेज क्या। अब देखो, दुख हम क्यों देते हैं? कारण कि अभी तक आत्मा के अंदर कोई न कोई प्रकार की असंतुष्टता है। जब आत्मा असंतुष्ट है तो सर्कमस्टेंसेस कोई इतने कठिन नहीं है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी की बातें नहीं है, परंतु हमारे जो शब्द निकलते हैं कड़वे निकलते हैं, दुख देने वाले होते हैं। और शायद हमें पता भी नहीं होता कि हमने जो कहा है इस आत्मा को दुख पहुंचा है। कई बार ऐसे भी होता है, जैसे बाबा ने कहा कि मियाँ मिठू, पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या खामी है। वैसे भी आप देखो कि मनुष्य का ऐसे चेहरा है, आप अपने हाथ पांव को देख सकेंगे, आप अपने चेहरे को देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे, और आपके चेहरे को देख रही हैं, और कुछ यहाँ दाग लग गया है आप देख रही हैं, तो मुझे पता नहीं पड़ता जब तक कि मैंने आईने में नहीं बैठ करके देखा हो। आप देख रही हैं, हमें नहीं पता होता। तो बाबा कहते थे कि कुछ कमी है और देख रहे हैं परंतु खुद को पता नहीं चलता। परंतु तभी बाबा कहते हैं कि शांति से अपनी जांच करके अपने अंदर आईने में देखो तो पता चलेगा। ऐसे नहीं कि अहंकार वश हम सोचे कि हाँ सब कुछ ठीक है, परंतु फिर अंत में हमें पता चले कि इतने सारे बंधन बंधे हुए हैं, अथवा इतना हमने जो दुख दिया है वो अभी तक हिसाब किताब मेरा चुकता नहीं हुआ। तो अभी यदि हम ये ध्यान रखते हैं कि अपनी स्थिति बिल्कुल जैसे बाबा चाहता है, ये एक बहुत सिंपल बात होती है अपने को चेक करने की। जो बाबा हमसे चाहता है क्या वो आज हम कर रहे हैं? और उस प्रश्न से हर एक को बिल्कुल क्लियर पिक्चर आती है। कोई बहुत लंबी चोरी चेकिंग की भी बात नहीं होती, क्योंकि बाबा तो इतना हमें सब कुछ सरल करके बताते। बाबा ने आज ये कहा, बाबा आप बच्चों को संभाल रहे हैं, न सिर्फ समझा रहे हैं। टीचर तो समझाएंगा, ये बात सही है, परंतु माता पिता ऐसे होते हैं जो हमेशा बच्चों को संभालते हैं। या बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो भी मन माँ बाप के मन में भावना होती है कि हमारे बच्चों को हम उन्हों को किस तरह से संभालें ताकि उन्हों को कभी भी कोई बात का दुख ना आए। तो आज बाबा के ये शब्द थे, बाबा आप बच्चों को संभाल रहे हैं। कैसे संभाल रहे हैं? हर बात में बाबा चाहते हैं कि बच्चों को सुख मिले, बच्चों को प्यार मिले, बच्चों की जीवन बड़ी श्रेष्ठ रहे, बच्चे बिल्कुल अपनी उस नंबर वन की स्थिति पर पहुँचे। तो आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि जो आज मेरे संकल्प चल रही हैं, जिस तरह से मेरा वचन चल रहा, जिस तरह से मेरा कर्म चल रहा, संबंध की क्वालिटी जो है, क्या बाबा हमसे ये चाहता है? आपको तुरंत उसका उत्तर आएगा। और जो बाबा चाहता है और जो मैं कर रहा हूँ, यदि हमें पता होता तो हम बाबा की मदद लेकर के उसको संपन्न करके फिनिश करके समाप्त कर सकते। इस वर्ष के लिए बाबा ने ये हमें एक विशेष गारंटी दी है। वो कौन सी? बाबा ने कहा है कि बच्चे जो श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे, जो हिम्मत रखेंगे, बाबा विशेष उसमें मदद करके उस संकल्प को संपन्न कर ही लेंगे। याद है, बाबा ने खुद ही 2-3 बारी इस सीज़न में याद दिलाया है कि खास बाबा का इस वर्ष के लिए ये वायदा है। हाँ, सही बात, भक्ति में भी कहते हैं भगवान की मदद है। जो भगत होंगे, जो सच्ची भावना वाले होंगे, उनके मुख से यही निकलेगा, भगवान की कृपा है, भगवान की मदद है। तो हम बच्चों को कितनी न भगवान की कृपा अथवा भगवान की मदद का अनुभव है। रियलिटी तो ये है, आज हम यहाँ तक नहीं होते यदि बाबा की इतनी मदद न होती। तो जो बाबा हमसे चाहता है
यदि हम उसको अपने दिल से स्वीकार करें कि हाँ यही मुझे लक्ष्य है, यही मुझे अपनी स्थिति बनानी है, समय भी मुझे यही कह रहा है कि अब करना है, तो खुद का संकल्प, समय की पुकार और बाबा की मदद, तीनों बातें अभी इकट्ठी हो रही है, तो तीनों बातों को लेकर के हम अपनी उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बाबा क्यों ये बार बार याद दिला रहा था, बच्चे आप याद करो, आप ही वो देवताएं थे, आप ही कहाँ पहुंचे हो और फिर से आपको कहाँ जाना है। बाबा के पास कोई और बच्चे नहीं आएंगे जो उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, बाबा के पास यही बच्चे हैं जो हम सब बाबा के बन चुके हैं, तो हमें ही वो स्थिति प्राप्त करनी है, हमें ही वहाँ तक पहुँचना है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। बाबा स्मृति दिला रही हैं, जो बीच में हम भूल गए थे बाबा ने कहा, बाबा जागृत कर रही हैं, बाबा उस स्थिति को जागरण करनी चाहती हैं कि आपकी वो स्थिति थी और अब फिर से वो स्थिति बनानी है। तो रिटर्न जर्नी के लिए बस कहाँ जाना है, कैसे बाबा के समीप रहना है, कैसे सत्युग में आना है, और ये तीन बातें, हिसाब किताब कहाँ तक फिनिश किया, नया खाता जमा तक कहाँ तक पुण्य का कर्म का श्रेष्ठ जमा किया, और तीसरा कोई और उसमें ऐड तो नहीं हो रहा, ये तीन बातें ध्यान पर कदम कदम पर रखते चलो तो सहज ही घर हमारे सामने है। बाबा ने बहुत प्रेम से हमें इतनी पालना दी है और अब बाबा चाहते हैं कि उसका अब हम सबूत देवें। ओम शांति।